वाराणसी के थाना फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्रामपुरा रघुनाथपुर बाबतपुर थाना फूलपुर निवासी सुभाष राजभर पुत्र रामदेव राजभर का पूरा परिवार लॉकडाउन में मुंबई चले गए थे। पीड़ित के पिता और चाचा दोनों सगे भाई हैं और दोनों लोग अपना मकान बनवा कर अलग अलग रहते हैं। आपको बताते चलें कि दिनांक 12/4/2022 को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया कि आपके घर का ताला तोड़कर खुन्नू राजभर और उनके दोनों पुत्र लक्ष्मी शंकर अपने परिवार की महिलाओं सहित घर का सारा सामान जैसे टीवी फ्रिज कूलर माता जी के पुराने चांदी के 3,500 ग्राम के गहने तथा पिताजी के शादी में मिले और हमारी शादी में मिले पीतल केदार जानू पीतल के बर्तन और सोलर पावर के 3 सेट बैटरी सहित दरवाजे खिड़की के घर में रखे जरूरी दस्तावेज बड़े बड़े बक्से हैंडपंप मोटर सहित चोरी करके ले गए हैं। जी आप अपना परिचय बताकर। मेरा नाम संतोष कुमार राय, मैं भिवंडी महाराष्ट्र से आया हूँ। हमारी संस्था है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की, उसका मैं केंद्रीय सचिव हूँ। और जो पीड़िता यहाँ पर हमारे बड़े भाई सुभाष राजभर जी हैं, उनके घर पर ये लगभग 12/4/2024 का मसला है कि उनको एक फ़ोन आया कि भाई आपके घर पे कुछ काम चालू है क्या। तो इन्होंने बताया नहीं यार, हम तो महाराष्ट्र में अभी यहाँ है, हमारे घर पे कोई काम ऐसा नहीं चालू है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई तुम्हारे घर पे कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, तो उन्होंने फ़ोन किया अपने भाई को, जो इनके सगे चाचा हैं, उनके चाचा के दो लड़के हैं, उन लोगों ने क्या किया कि इनका घर तोड़ दिया। जब घर तोड़ा तो जब संदेशा गया, इन्होंने भाई को फ़ोन किया कि बबलू भाई हमारा जो है घर टूट रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। बोले नहीं भैया कुछ नहीं, मैं ऐसा रिपेयरिंग कर रहा हूँ। तो जब उनको रिपोर्ट लगी तो उनकी जो मिसेज और बच्चे को उन्होंने भेजा कि भाई जाओ घर पे, और माता जी को लेकर के इलाज उनका चल रहा था, वो नहीं आ पाए। मिसेज को और बच्चे को जब भेजे, बोले जा करके देखिए क्या हो रहा है घर पे। जब यहाँ पे वो लोग आए हैं तो इनको मालूम पड़ा कि हमारा घर टूट रहा है और ताला वगैरह तोड़ करके इनकी जो भी सामान थी, इनके कुछ गहने थे 3.5 किलो के लगभग, जो है उनके पुराने जेवर वगैरह थे माँ बाप के जो थे, इसके बाद जो है घर के 6 दरवाजे थे, तमाम तरह की जो सामानें होती हैं घर में सब सुविधा, फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन जो भी थी सब चीज़ उसमें से चोरी कर लिया गया, ताला तोड़ दिया गया, धीरे धीरे करके घर को गिरा दिए इन लोगों ने। और इसके बाद जब सुभाष भाई को लगा कि नहीं ये औरतें बच्चों से काम नहीं हो पाएगा, तो महाराष्ट्र से अपनी माँ को लेकर के यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद यहाँ जा कर के थाने पर उन्होंने कंप्लेन करने का काम किया, वहाँ पे उनका कंप्लेन नहीं लिया गया। थाना से लेकर के एसीपी डीसीपी जो भी कमिश्नर जहाँ जहाँ उनको जाना हुआ, हर जगह जा कर के उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन हर जगह उनको एक ही निराशा हाथ लगी, क्योंकि हर जगह उनको बोला गया कि अभी 2 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।